हसीवादियाई खुलासमा आ गए हम का चाहिए चाय की दीवानी और मीठे की भी दीवानी। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, पता नहीं कहाँ से मिल गए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ओके, तो कल रोहतांग पास जाने के बाद, सोलांग वैली जाने के बाद और पैराग्लाइडिंग करने के बाद अब हम उठ गए हैं सुबह। और आज की सुबह बहुत अच्छी लग रही है बिकॉज आज कुछ हड़बड़ी नहीं है हमारे कि जाना है, चलो चलो सुबह उठना है और इतना सब कुछ, ऐसा रश वाला काम नहीं है। हम सुबह आराम से उठे हैं। एक्चुअली मैं ही उठी, अभी तक कोई उठा ही नहीं है मेरे हिसाब से। कार्तिक तो सोया ही है और अपू और बिल्कुल भी अभी मेरे हिसाब से सो ही रहे बिकॉज बालकनी में कोई दिख नहीं रहा। तो भैया क्या है ये, तो मैं आपको यहाँ से आज का व्यू दिखाऊंगी। आज सूरज देवता की मेहरबानी है और वो फुल अपनी वो कृपा बरसा रहे हैं, ऐसा समझ लो। ये तो ये रहा आज का व्यू। आज ही पहाड़ों पे कोहरा तो दिख रहा है बट आज अभी तक के सूरज देवता हैं। लेकिन यहाँ के मौसम का भैया कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हम क्या सोचते हैं और यहाँ क्या हो जाता है ये पता नहीं चलता। 5 मिनट पहले कल सोलांग वैली में धूप थी, 5 मिनट बाद अचानक से अंधेरा आ गया और उसके 5 मिनट बाद बारिश आ गई। तो ओह माय गॉड, यहाँ से बर्फ दिखता है यार। ये देखो इन पहाड़ों पर बर्फ है। कल तो सुबह सुबह हम 7 बजे से पहले निकल गए थे तो पता ही नहीं चला यहाँ का व्यू क्या है, बट वो रहा बर्फ़। एक्चुअली कल हम इससे ज़्यादा बर्फ़ में घूम के आए बट यहाँ से व्यू मैटर करता है यार। और मैं ये सोचती हूँ, कल से मैं सोच रही हूँ कि उन वाली होटल वालों का या ये सब जो भी हैं उनको क्या व्यू आ रहा होगा यार। मतलब उनको वो सारे दिख रहे होंगे बर्फ़ एंड ऑल जो हम कल थोड़ा थोड़ा जाके आए थे बीच रास्ते में जो थे। रोहतांग पास तो बहुत ऊपर है पर थोड़ा थोड़ा तो उनको दिखता ही होगा, पर भैया उनको ठंड भी बहुत लगती होगी। कैसे सोया है देखो, इसको वैसे भी दिन में ही नींद आती है। मैंने किया अभी थोड़ा सा योगा बिकॉज जल्दी उठ के करेंगे भी क्या, और अब हम करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी गर्म, बहुत दिनों से नहीं पिया है। इसमें मैं लग रही हूँ, मैं दिख रही हूँ, लग नहीं रही हूँ यार। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ। के बाद मंगाई जाएगी कॉफी। अब चालू करते हैं गीजर, तब तक कितना इसका पानी अच्छे से गर्म होगा, नहीं तो ना इसमें थोड़ी देर में ठंडा है थोड़ी देर में गर्म, ऐसे कर करके आता है। तो मेरे हिसाब से अगर इसको चालू करके रखूँगी मैं तो अच्छा आएगा पानी। ओ कल आइस में जाके ना हम सब लाल हो गए, लालम लाल। तो हम हो चुके हैं रेडी, इसको मैंने मार मार के उठाया है आज। आज लेट उठने की बारी थी पर आज भी पूजा बहुत जल्दी उठ गई और हम सबकी नींद खराब की। हमको 11 बजे निकलना है और पूजा ने सबको मुझे तो 7:30 बजे से उठा दिया है। नहीं 7:30 बजे नहीं उठाया, 8:15 के बाद उठाया है। 7:30 बजे से मैंने कल एक्चुअली मैं बोला था सबको, आवाज करनी चालू कर दी थी पूरे रूम में, ये आवाज कर रही, ये आवाज कर रही, कैसे सोए। हाँ तो मैंने सबको कल ये बोला था कि अगर कोई 9 बजे से पहले उठा तो मैं उसको मारूंगी ऐसे। तो मैं कुछ 6:30 बजे से उठी हूँ। ओके तो हम रेडी हो गए और आज पहली बार हमने कपल गोल्स बनाए, वो गलती से बनाए पर बन गए क्योंकि बनाने चाहिए थे यार पर हमने बनाए नहीं क्योंकि
बना चुके हैं हम पहले बहुत, बाली वाली में हर रोज बहुत। कपल गोल्स बनाए थे, तो इस बार हमने सोचा कि नहीं अलग अलग दिखेंगे, पर आज बन गए। नहीं, लोगों ने भी मेरे हिसाब से कपल गोल बनाया है, उनके रोज कपल गोल है, जानबूझ के बना, वो भी वाइट पे, वाइट में है, जानबूझ के कपल गोल बनाते हैं और फिर बोलते हैं गलती से बना है ऐसा, चालाक है ये। पूड़ी, लेकिन पूड़ी की साइज क्या है भैया? अरे बट वो पूड़ी बोल रहे हैं, पर भटूरे अलग अलग टाइप के नहीं आते थोड़े? अपने वहाँ भटूरे वाइट कलर के आते। तो अभी हम जा रहे हैं इनके वशिष्ठ टेम्पल। कौन है वो? हमारे वो गोत्र वशिष्ठ है, ब्रह्म ऋषि थे, वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि थे। एक दो और भी है पर वो उन दोनों को बहुत जल्दी मच गई है, उनके बहुत जल्दी मच गई, उनको आगे जाके झाड़ू निकालना है मंदिर का। उनके आगे, उनको आगे जाके मंदिर में झाड़ू निकालना है, तो वो जल्दी चल पड़े क्योंकि हमारा गोत्र वशिष्ठ है तो हम झाड़ू लगाएंगे। हाँ वही, उनके उनके वो क्या है, ऋषि गुरु होते हैं कुछ तो होता है ना, गोत्र ब्रह्म मतलब हम उनकी संतान है। हाँ तो उनके वो वहाँ जाके झाड़ू निकालना बनता है तो हमारे सेम ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी हमारी, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे तो सेम गोत्र वालों की शादी नहीं होती है, तो भी इंद्रन कर ली। हाँ ये दोनों देखो कर ली, क्योंकि ये पार्वती जी और मैं आसुरा का सेम गोत्र, गोत्र सेम गोत्र, उसमें भी बहुत फर्क है। फर्क है बहुत, ये पार्वती का वशिष्ठ और आसुरा का वशिष्ठ, लेकिन हम दोनों बहुत अलग गोत्र के, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। हाँ शुक्ल पता नहीं कहाँ से मिल गए, पंडित जो होते हैं पंडित। बाकी सब तो ठीक है, पर ट्रैकिंग की बातें करो, ये चढ़ते चढ़ते ही हालत खराब हो रही है अब। हाँ ये ट्रैकिंग हो जाएगी। देर में जाते जाते बहुत सारी दुकानें हैं, बीच में बहुत अच्छे गरम गरम कपड़े मिल रहे हैं। यह है वशिष्ठ टेम्पल, बहुत सारा चढ़ने के बाद मिला है भाई ये हमें। वहाँ नीचे से तो लिखा था कि 250 मीटर ही है, बट ये 250 मीटर है नहीं, और उसका मेन पॉइंट ये है कि ये सारा सारा लकड़ी का है और लकड़ी में ठंड नहीं लगती। हम जैसे तारा देवी गए थे तो वहाँ पे पूरा का पूरा मंदिर लकड़ी का था, तो उस हिसाब से अंदर जाके थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, और मंदिर से कुछ ऐसा व्यू है, ओह माय गॉड। अब हम कहाँ जा रहे हैं आगे पता चले। एक्चुअली ये वशिष्ठ टेम्पल था नीचे, अभी ये वाला तो राम मंदिर था। हसी वादिया इखलास मां आ गए हम कहां मेरे साजना। भैया मंदिर में ऐसा गाना बनता नहीं है, असली इमेजिनरी ड्रेस तो ये पहनो तो राम का नहीं, हमको वही पहनना है। एक खरगोश के साथ फोटो खिंचाने के कितने पैसे लेते क्या पता। अभी नीतल भगवान जा रहे हैं बाली से मंदिर। हाँ सीरियसली बाली में ऐसे मंदिर थे? ये वशिष्ठ टेम्पल वो वाला था राम मंदिर। OMG ये बाली में सेम ऐसा के ऐसा मंदिर था। शिमला आए तो थोड़ी शिमला की शॉपिंग भी चल रही है यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ें यहाँ पे ये गर्म चीज़ें हैं और शॉल है, यहाँ पे शॉल का भाव ताव चल रहा है। करंट लगेगा, करंट लगेगा, वाइब्रेशन। अरे ये करंट लगाने के लिए ही होता है कि कुछ और काम है? मेडिटेशन के लिए, हार्ट बीट के लिए। ऐसे रखो, सीधा रखो आप हाथ। मैंने याद थी कि बड़ा मतलब बड़ी देगा तो इसमें आवाज आनी चाहिए। कितने का भैया? ये निकल रहा है। हम आए यहाँ पे स्पेशल कुल्हड़ चाय पीने, तंदूर चाय, तंदूर चाय, ये चाय की दीवानी और मीठे की भी दीवानी।
मीठी चाय चाय मीठी बनाना। हाँ जहाँ देखो भाई एक बार बोल देना और वो सुन रहे हैं ऊपर। हाँ ऐसे फिर पहली बार बस बोली है ये उसका बस चले तो हाँ चाशनी चाशनी डलवा। पर रहना ये मतलब बहुत सारे गुलाब होते हैं अलग अलग कलर्स के और बहुत सारे गुलाब है। इसका नाम ही रोज़ गार्डन है। बहुत पीछे भी बहुत सारे गुलाब गए हैं। वाह इतने सारे गुलाब एक साथ सीरियसली कभी नहीं देखे। ये पीच कलर के हैं वो रेड पिंक बीच वाले हैं। थे वो टूट गए चलते चलते। वो मंदिर बहुत ऊपर जाता तो अभी ये स्लीपर लेने पड़े हमको रास्ते में बिकॉज बिल्कुल भी कहीं भी चलने के लिए मुझे दिक्कत आ रही थी। आ चुके हैं अभी हडिम्बा टेंपल और यहाँ पे मेरी और अप्पू की वो वाली विश पूरी होगी ड्रेस हिमाचली ड्रेस पहन के फ़ोटो खींचने वाली बिकॉज इन दोनों ने हर जगह हमको अवॉइड करने की कोशिश की है। अरे खींचेंगे अरे खींचेंगे ये वही है गौर से देखो इन्हें मंदिर के लिए ले लो। बहुत खराब है हम दोनों। हाँ बहुत अच्छे हो आप लोग गौर से देखो इनको पकड़ो नहीं नहीं पकड़ना आंटी पकड़ना ही नहीं है वो मेरे को पकड़ने भी आएगा भी नहीं। ड्रेस पहन लो 20 में। हाँ आ रहे आ रहे हाँ यही आएंगे। हाँ आपके ही आएंगे ये आप वीडियो में आ गए। मेरा कुछ काम नहीं है वो भाई लास्ट में यही आएंगे करके यहाँ पे आएंगे यही आओ आपके यही आएंगे यहाँ पे याक है। बहुत खूबसूरत वातावरण है बड़े बड़े पेड़ हैं मेरे जैसे। हाँ यहाँ पे बना देना लास्ट डे आ गया फिर भी यहाँ बना देना। यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे पाड़े भी हैं वो छोटी गाय है। वाओ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर बहुत ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ये मंदिर है ये हम लोग जब बाले गए थे इसी टाइप के मंदिर होते थे वहाँ पे लकड़ी के और ऐसे। चलो मैडम चलो मैडम चलो ₹100 में नहीं भैया केसर ₹100 में शिलाजी ₹150 में ले लिया भैया हमने। कितने में लिया ₹100 में नहीं सर हमें ₹50 में दे रहा हूँ मैडम ₹50 में दे रहे हैं मैडम ₹100 हम ₹100 में ले चुके हैं। टेम्पल इज ओपन तो यहाँ पे एज यूजुअल बोर्ड लगा हुआ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना मना है तो आपसे मिलेंगे मंदिर से बाहर आने के बाद। यहाँ से नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं बहुत ज़्यादा जंगल है बहुत ज़्यादा पीछे घूमने का भी है। लेट्स सी हम लोग जा रहे हैं। चलें वैसे हम लोग निकले तब काफ़ी प्यारे लग रहे थे अभी मैं तो प्यारा ही लग रहा हूँ आई एम ऑलवेज प्यारा। हाँ लेकिन उसके बाद हमने वो कौन सा तो मंदिर था वशिष्ठ टेम्पल के रोड पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली बहुत ज़्यादा तो वो शॉपिंग करते करते ही हम लोग थक गए। अभी भी हम ठीक ठाक ही दिख रहे हैं लेकिन अटपटे से लग रहे कहाँ गए भाई नोपल हमारे साथ से वो कहाँ खो गए नीचे वहाँ से नीचे जाते भाई अपन अलग आए हैं अपन से पेड़ अर्थुना में भी हैं ऐसे पेड़ फिल्म सिटी में भी हैं ऐसे पेड़ हमारे यहाँ पे मंदिर है महादेव का इतने बड़े थोड़ी हैं। हाँ नहीं इतनी हाइट नहीं है उनकी माना पर पेड़ मतलब वो जो नहीं वो फिल्मों वाला जो लुक आता है वैसा वाला लुक है। ये फिल्म सिटी में तो है ही है बट हमारे गाँव में भी है मैटर ये करता है यार। हाँ तो क्या कहना है ला 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 हम अभी खा रहे हैं हडिम्बा देवी के दर्शन करने के बाद चना चाट। चना चाट बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर प्याज टमाटर चने चने की दाल केरी
ककड़ी सब है। ये देखो इसको इतनी जल्दी मच गई है कि खुद सेकने लग गई है। उसको कच्चा लग रहा है तो ये जला देगी भाई तू। अरे नहीं जलेगा। छोड़ो हाँ ऐसे पकड़ उसको। खुद बुड्ढा सेक रही है ये। हाँ मैं वही कह रही हूँ अब जला देगी ऐसे। चलो भैया इसको बाहर। थैंक यू। कम कम ही लगा। है कम कम ही लगाना बहुत ज़्यादा बोला। नहीं मसाला मसाला कम ही लगेगा।